हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर सबका स्वागत है नए ब्लॉग में। और आज का जो ब्लॉग है थोड़ा सा ये मान लो खर्चीला ब्लॉग है, क्योंकि आज मैं जा रहा हूँ रोहतक, एक मीटिंग है और उसके बाद आपको एक शॉप मैंने वीडियो देखी थी उसकी, मतलब एक ये मान लो शायद दो तीन दिन पहले तो वो वीडियो देखी थी। तो मैं शूज़ लेने की सोच रहा था, तो वो वीडियो देखी थी, उसमें देखे भाई जूते मतलब काफ़ी ठीक ठाक रेट में वो था वहाँ पे, और अच्छी क्वालिटी दिखा रहे थे वहाँ पे, वीडियो में दिखा रहे थे, क्योंकि वीडियो तो स्पॉन्सर भी होती है भाई, और वीडियो में एडवर्टाइजमेंट करते हैं हम भी करते किसी की, तो एक अलग बात है। बाकी जाके सोचा आज रोहतक जा ही रहा हूँ, तो एक कम से कम एक पेयर तो स्पोर्ट्स शूज़ ले ही आऊँ मैं, तो आज जाके वहाँ पे शूज़ लेंगे। और मैं अब निकल चुका हूँ घर से, और घर से अब मैं आ चुका हूँ फरुखनगर। अभी आगे मैं केएमपी से जाऊँगा, क्योंकि केएमपी से वैसे 5 किलोमीटर का ही डिफरेंस है, केएमपी 5 किलोमीटर लंबा पड़ेगा केएमपी से सांपला होते हुए। एक दोस्त और है आगे, वो भी मिलेगा सांपला बहादुरगढ़ का जो उतरेगा ना, जहाँ की एमपी बहादुरगढ़ के लिए जो कट होता है उस पर वो मिलेगा दोस्त, वहाँ से उसको पिकअप करेंगे फिर जाएंगे आगे। तो क्या हुआ कि जब मैं इधर से जाता था ना झज्जर होके, तो झज्जर होके जो झज्जर तक तो कोई दिक्कत नहीं है, जब झज्जर से आगे हम उस पे NH 71 पे चढ़ते हैं रोहतक के लिए, तो वो रोड ना उस पे ट्रक बहुत ज़्यादा हैवी चलते हैं, और वो रोड ना बैठ चुका नीचे, तो उसमें वो दिक्कत है कि पूरा रोड बैठा हुआ पड़ा है। तो वो एक दोस्त भी लेना था, तो सोचा चलो इधर से ले लेते हैं, टोल उधर भी देना है, टोल इधर भी देना है, तो टोल वोल की तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, टोल वहाँ पे भी वो डिगलगाम में देना पड़ता है रोहतक से पहले, तो टोल यहाँ पे भी एक बार देना पड़ेगा, तो उतना ही टोल है लगभग, ज़्यादा नहीं है, तो बराबर था। और बाकी MP थोड़ा सेफ है, अच्छा है फिलहाल, अभी तक तो अच्छा ही है, तो ये है बस, और कोई दिक्कत नहीं है। KMP से जाने का रीज़न ये था मेन। अब मैं KMP की तरफ मोड़ लेता हूँ, थोड़ी सी भीड़ है यहाँ पे, टिप्पर दे दिया। तो भाई हेलो, ये सामने KMP टोल प्लाजा सुल्तानपुर, जो मुजफ्फरनगर का जो टोल प्लाजा वो वाला, यहाँ से अपने को पर्ची मिल जाएगी, उसके बाद फिर KMP से चढ़ के जहाँ उतरेंगे हम सांपला वाले उस पे जाके फिर अपना टोल कट जाएगा। फास्टैग लगाई हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, तो चलो ले लेते पर्ची यहाँ से, इसी में ले लेते हैं। तो भैया फास्ट टैग है तो पर्ची जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से हो गया उसमें एंट्री, अब जब उतरेंगे तो वहाँ के फास्ट टैग जो उनका फास्ट टैग स्कैनर होता है वहाँ पे पता चल जाएगा भाई ये बंदा वहाँ से चढ़ा था, तो शायद 30 या 40 रुपए लगने टोल के, इतने ही टोल के वहाँ पे लगते हैं डिग्गल वाले टोल पे। तो अब मैं इसके ऊपर चेक कर देता हूँ गाड़ी को फटाफट। और यहाँ पर एक बात है, गाड़ी ना एक स्पीड में चलती है, अगर 80-90 पे आप चला रहे तो 80-90 पे चलेगी, कोई दिक्कत नहीं ऊपर जाने के बाद, क्योंकि इतना 3 लाइन का रोड है और 3 लाइन में कोई दिक्कत नहीं, 2 लाइन होती है ना, तब कई बार क्या होता है जो ट्रक होते हैं वो ट्रक आ जाते हैं बराबर सेम स्पीड ट्रक, इतने तेज चलते नहीं, अब वो वहाँ पे कई मिनट ख़राब कर देते हैं, क्योंकि जब तक कोई भी एक आगे पीछे नहीं होगा जब तक बात बनेगी नहीं। तो ये दिक्कत है उन वाले रोड पर जो 4 लेन होते हैं, 4 लेन मतलब 2 जाने की 2 आने की, लेकिन ये 6 लेन रोड है। और ये हम कुंडली की तरफ चल दिए, ये लो, अब जो स्पीड रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी, कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी एवरेज भी देगी और टाइम भी कम लगेगा। देखते हैं कितने बजे पहुंचेंगे। चलो एक गाना सुनाता हूँ आपको थोड़ा सा, थोड़ा सा कॉपी के लिए मजा आएगा भाई, जो कि इनकम होती वो भी वो गाड़ी वाले ले जाएंगे, इसलिए मैं नहीं चला रहा ज़्यादा। 6 सेकंड तक चलाने में कोई दिक्कत नहीं है, 6 सेकंड से ज़्यादा चलाओगे तो दिक्कत है। तो पूरा रास्ता आपको क्या दिखाऊं मैं, रास्ता देख के तो आप बोर हो जाओगे, फिर कहोगे तो आप तो पूरा बस रोड ही दिखाते और कुछ नहीं दिखाते। अभी ये लगा ली मैंने साइड में, जाली लगा ली यहाँ पे, क्योंकि यार अब धूप होने लगी, गर्मी होने लगी बहुत ज़्यादा शीशों के अंदर से डायरेक्ट, तो इसलिए आज लगा के आए हूँ। और आज देखो कुछ नया दिख रहा होगा पिछले लोग से, तोलिए वोलिए धो धा के लगा रखे हैं, पीछे नीचे नीचे लगाए, पीछे वैसे नहीं लग रखा अभी, वो जरूरत है नहीं इसलिए मैंने नहीं लगाया, ये वाले लगा दिए। लगता है ना थोड़ी सरकारी सी गाड़ी हो,
तो इसलिए वो, क्योंकि यार सीट कवर मैंने लगवाए नहीं, सीट कवर नहीं लगवाए तो फिर सोचा कि यार गंदे हो गए। बाकी इसके जो सीट कवर है ना बढ़िया क्वालिटी के हैं, लेकिन गर्मियों में थोड़ा वो रहता है ज़्यादा लंबा ना वो हो जाता है पसीने से, तो इसलिए सोचा कि चलो तौलिए लगा लेते, तौलिए धो जाएंगे, क्या है 15 दिन में 20 दिन में धो देंगे इनको, कोई गंदा तो होता नहीं, क्योंकि मैं ही चलाता हूँ ज़्यादातर साइड में भी, कोई कभी कभी कहीं जाते हैं तो वाइफ ही होती है बस, बाकी खाली रहते हैं साइड वाली सीट में, तो इसलिए कोई दिक्कत होती नहीं ज़्यादा कि गंदे हों। और मैं आपको पता ही ना धो के रेडी रहता हूँ, गंदे कहाँ से होंगे। और आप ये बताना, मैं अब आपको वहाँ पे दुकान पे ले जाऊँगा जो शॉप है वहाँ पे, कि भाई जो शूज़ है वहाँ पे मैंने कमेंट भी देखे, और एक दो दुकान मेरे को पता है जहाँ पे शूज़ काफ़ी अच्छे मिलते हैं, बादले में भी एक नाम नहीं लूँगा क्योंकि भाई फ्री में प्रमोशन किसी का नहीं होता, समझ रहे हो ना, फ्री में प्रमोशन करने क्या फ़ायदा है, तो नाम नहीं लूँगा बस बता दे बादले में एक दुकान वहाँ से लेके आया था, ठीक थे शूज़ और उसका रेट भी ठीक था। आज रोहतक में एक दुकान मैंने देखी वहाँ से लेके आऊँगा, वहाँ पे बादली वाले जो शॉप है उससे थोड़ा सा ज़्यादा रेट है वहाँ पे, लेकिन शूज़ के जो वहाँ पे क्या बोलते हैं वैरायटी थी ना, जो एक तरीके से अलग अलग टाइप के शूज़ थे, तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे हम सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन ज़्यादा रहेंगे, तो इसलिए वहाँ पे जा रहा हूँ आज कि आते टाइम वहाँ से शूज़ लेके आने हैं, आपको दिखाऊंगा कैसे लगे कि ये, और बताना कि उस रेंज में वो शूज़ सही है नहीं है, और वो ओरिजिनल नहीं होगा कॉपी होगी, लेकिन कॉपी भी कई तरह की आती है, अच्छी क्वालिटी की कॉपी है तो वो देखेंगे वहाँ पे कैसी क्वालिटी मिलती है। और अपना अब आने वाले टाइम में कितने तारीख होगी आज 20, बर्थडे भी आ रहा है तो उसकी भी कुछ देखते हैं क्या करते हैं, बर्थडे वाले दिन में आपको वो लोग दिखाएंगे, तो वो अगली अभी है टाइम 2 मार्च को है, तो तब की तब बताएंगे क्या कुछ होता है, क्या सेलिब्रेशन होता है, कहाँ जाते हैं, कौन कौन आता है, वो उस वीडियो में बताएंगे। उससे पहले आज थोड़ा सा कर लेते हैं अपना, और मीटिंग मैंने आपको बताई नहीं मीटिंग किस चीज़ की है, तो मीटिंग है कि अपनी यूनियन बनाई उस चीज़ की मीटिंग है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे वरना, क्योंकि आपसे रिलेटेड वो चीज़ है नहीं। चलो और डायरेक्ट वहाँ पर मिलाता हूँ आपको, जो फ्रेंड अपना वो आ जाएगा उसके बाद। तो भाई मैं तो आ चुका, लेकिन जिसको लेके जाना था साथ वो लेट है, अभी मैंने फ़ोन किया उसको तो अभी तो वो भाई घर से भी नहीं चला है, अभी यहाँ तक आने में उसको कम से कम मेरे हिसाब से 20 मिनट लगेगी, 15 वो कह रहा है, और आपको पता सच तो बोलते नहीं लोग है ना, तो अभी मुझे वेट करना पड़ेगा उसका। बाकी मैं अभी यहाँ खड़ा हूँ बिल्कुल, जो कि MP से उतर के जो NH 9 का कट है वहाँ पे, तो चलो देखते हैं वेट करते कब तक आता है फिर चलते आगे। तो भाई ये था जिसका वेट मैं कर रहा था, और इसने करवा दिया कम से कम हम मतलब 20 मिनट लेट करवा दिया, हमेशा लेट यही करवा अपने मैं आज जो पहली बार खड़े रहूँ मतलब जो टाइम मैं उस पर आया करो यो लेट आया है, टोल तो है इस रोड पर अभी आगे और तक तक ना टोल है ना, कोई टोल नहीं, कोई टोल नहीं, तो चल दिया भाई 40 मिनट लगे कम से कम रोहतक तक के ना, 30 मिनट्स ना है जो लोकेशन उसने भेजी है ना उसके हिसाब से 45 किलोमीटर है। अभी रोहतक में जाने के बाद थोड़ा टाइम वैसे लग जाए, भीड़ रहे शहर यहाँ तक तो ना अलग है टाइम तो खाली है, खोज ही जा रहा है काम लो बोल ले भाई। फ्रंट कैमरा भाई उससे है ना वो तो ठीक है, मैं पूरे रास्ता थोड़ी बनाऊँ हाँ, तो बीच में रास्ता की दिखा दे, बाकी उसका ही वो फायदा है। अभी जैसे मान लो हम चला रहा कोई ठोक भी दे या हम ठोक दिया तो उससे प्रूफ भी रहे कि गलती किसकी है, ज़्यादातर यूट्यूबर नहीं करे, एक कैमरा फ्रंट में ले ले एक सामने चलते रहे, फिर जो जो उन दिखानी है पब्लिक तय उसने ऐड कर ले उसमें, जरूरी थोड़ी सारी दिखानी है, लेकिन मान ले कोई एकदम चीज़ दिखानी, अब मैं फ्रंट चला रखी कैमरा फिर एकदम बंद करूँगा चलाऊँगी इतना बार चीज़ जाली पीछे, तो वे नहीं करे, लेकिन वे ज़्यादातर ना GoPro ले रहे सब, भाई GoPro ना यार यो ले ली 50,000 रुपया को, वो कम से कम आओगे 55-60 हज़ार रुपया GoPro, तो फिर यो ले लियो 55,000 रुपया को क्या करूँगा, यो सिर्फ वीडियो में बनाने में यूज हो रहा, फोन फन ना आया करे पे, अच्छा फोन खातर ये है ना, फिर रिकॉर्डिंग भी करनी पड़े भाई, ऐमें रिकॉर्डिंग ना हो एप्पल का, मैं रिकॉर्डिंग ना थर्ड पार्टी ऐप तो हुए ना वैसे हो, रिकॉर्डिंग बहुत जरूरी है, मैंने मैं जाऊँ दुबई ठीक है, दुबई कब जाओ कल, वो दोस्त की शादी थी ना तो उसकी वाइफ मेरी हम 2-3 कपल लोग हैं, हम जाएंगे फिर तो ना
तो भाई भाई दुबई जाने के कह रहे हो, कुछ मंगवाना तो बता दियो किसी ने आईफोन मंगवाना हो या कोई और मंगवाना हो कुछ किसी ने बहू लेनी हो वहां तुम दुबई शेख फीमेल शेख तो भाई ये कह जाओ जाइयो करवाते हो जाते हो तो चलो डायरेक्ट चलते हैं वहां पे क्योंकि अब फिर टाइम हो जाएगा ज्यादा। अब दिखाऊंगा वहां पे तो क्या दिखाना है जो मैंने बताया था वीडियो में स्टार्टिंग में वो बताऊंगा, इसको नहीं पता अभी तो वो आते टाइम वहां ले चलेंगे। तो ये अपनी एक मीटिंग थी जो मीटिंग मैंने अटेंड की, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा था सभी को जो आए हुए थे, तो बस एक थोड़ा सा नज़ारा आपको दिखा रहा हूँ कि ये मीटिंग अपनी हुई है। इसके बाद मैं निकल गया था शूज़ लेने के लिए और शूज़ का क्या हुआ वो अब आप आगे देखिए, होगी दिक्कत ही। तो भाई अपने साथ हो गया थोड़ा सा पोपट। पोपट कैसे हो गया कि जैसे मीटिंग ख़त्म हुई तो मैं गया उधर उस शॉप पे सीला बाईपास पे के पास एक दुकान है वहाँ पे मिलते हैं, तो वहाँ पे गया तो पता चला वहाँ पे तो भाई ताला लगा हुआ है, संडे है तो ना उसने फ़ोन उठाया फिर, तो भाई अब वापिस आना पड़ा, शूज़ तो ले नहीं पाए। पता नहीं अब दोबारा जब चक्कर लगेगा रोहतक का तब जाएंगे, बाकी लेके जरूर आना शूज़ वहीं से क्योंकि मैंने वहाँ पे बड़े अलग अलग तरह के कलेक्शन देखे थे, वही लेके आने मुझे। दोबारा जाऊँगा तब देखते हैं, बाकी आज तो भाई बस किस्मत ख़राब लगा लो चाहे कुछ भी लगा लो, बाकी आज हुआ नहीं काम। हाँ बाकी जो मीटिंग वगैरह के लिए गए थे वो काम हो गया। अरे हट ले मामा आगे भी देखो, पहले तो सरकार ही रहा था पर जब मैं आगे निकाल दिया ना मैं उसके आगे कर रहा हूँ फिर आगे भी चला रहा है। अगली बार जाएंगे तब लेके आएंगे, बाकी अब देखते हैं बादल ही का चक्कर लग जाए तो शायद वहाँ से ले आऊँ। तो इस व्लॉग को करते हैं दी एंड। आज का मीटिंग वगैरह का जो रहा मैंने आपको थोड़ा सा बीच में फ़ोटो दिखा दिए, ये एक मीटिंग थी अपनी तो वो था बस, और कुछ नहीं था, बाकी आज का दिन ऐसे ही चला गया। और मैं पहुँचाऊँ घर 5:30 बजे और ये देखो ये देख ये क्या कर रहा है, क्या कर रहा है तू, क्या कर रहा है ये फोड़ दिया जी। तो ये भाई ऐसे करता रहेगा। तो थैंक यू, वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो कर देना।